अब आपको लिए चलते हैं वायनाड केरल में, जहां लैंडस्लाइड के बाद आए सैलाब का सितम अब भी जारी है। आपदा के बाद रेस्क्यू के दौरान डेड बॉडीज मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा। वायनाड हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 173 तक पहुंच गई है और हादसे में घायल लोगों की संख्या 200 से ज्यादा है, 219 फिलहाल ये अस्पतालों में लोग इलाज के लिए रखे गए हैं। वहीं लैंडस्लाइड में 91 से ज्यादा अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए मलबा हटाने का काम जारी है। जिन इलाकों में रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई है, वहां हेलीकॉप्टर के जरिए रेकी की जा रही है, मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोग अपनों की तलाश के लिए दर दर भटक रहे हैं तो रेस्क्यू वर्कर्स भी जी जान लगाकर लोगों की तलाश कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज वायनाड का दौरा भी करेंगे। इस बीच रेस्क्यू के तीसरे दिन आज रिलीफ टीम सबसे अधिक आपदा प्रभावित मुंडकई पहुंच पाई है और यहां पर देखिए तबाही किस तरह से हुई है। चारों तरफ आपको मलबा नजर आएगा, जिसमें बड़ी तादाद में जो पेड़ बहकर आए थे उसका मलबा है, साथ ही बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, अर्थ मूवर्स के जरिए ही इनको हटाया जा सकता है। गाड़ियों की हालत देखिए, पहचान नहीं पाएंगे कि आखिरकार ये कौन सी गाड़ी थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो तबाही हुई है कितना खतरनाक मंजर रहा होगा, जिस वक्त सैलाब आया था और अपने साथ भारी भरकम पत्थर बोल्डर्स मलबा लेकर आया था। अब जो मकान यहाँ पर नजर आ रहे हैं उनसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब करीब 5 से 6 फुट मलबा और पानी यहाँ से बहा है। चुरमला और मुंडकई को जोड़ने वाले ब्रिज के बनने के बाद पहली बार रेस्क्यू टीम मुंडकई टाउन में पहुंची है, तो वहां बर्बादी का मंजर देखकर हर कोई सहम गया है। मुंडकई वो जगह है जहां लैंडस्लाइड का पहला और सबसे बड़ा अटैक हुआ। प्रकृति की मार झेल रहे मुंडकई में गाड़ियां सड़कें सब कुछ समा गई हैं और आर्मी की ओर से यहां पर बेली ब्रिज बनाने के बाद ही ये मुमकिन हुआ है कि मुंडकई तक पहुंचा जा सका है। वायनाड लैंडस्लाइड में मौत का आंकड़ा हर घंटे बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर तक की चढ़ाई करने के बाद हम फिलहाल पहुंचे हैं मुंडकई टाउन में। यहां पर आप तबाही का मंजर देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस मौत के लैंडस्लाइड ने किस तरह यहां पर तबाही मचाई थी। आप देखिए किस तरह से, ये कह रहे हैं कि मेन रोड है मुंडकई टाउन का और घरों से निकली हुई गाड़ियां जो है यहां पर आपको क्षतिग्रस्त अवस्था में नज़र आ रही हैं। ये जीप, इसकी हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चोट यहां पर लोगों को हुई होगी इस आपदा, इस त्रासदी से। यहां पर कई सारी बाइक्स जो हैं वो यहां पर मलबे में दबी हुई नज़र आ रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस इलाके को आप देखिए, यहाँ पर आपको जो राइट हैंड साइड है कैमरामैन किरण का, अगर आप उस तरफ उसको पैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा जो इलाका है अब यहाँ पर मैदान में बदल गया है। यहाँ पर पानी की एक जो धार अब पहले से कम हो गई है, जब ये जलजला आया था तब ये धार पूरे फोर्स के साथ इस टाउन को अपने साथ बहाकर ले गई थी। इस मैदान में जो जगह आपको अभी खाली नज़र आ रही है, जहाँ पर पत्थर बाउल्डर नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर रिहायशी मकान होते थे। जहाँ पर मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ, ये भी ऐसा लगता है कि इस स्ट्रक्चर की बनावट को देखकर ऐसा लगता है कि मैं भी किसी सड़क के किनारे बने एक मकान की नींव के ऊपर खड़ा हूँ, क्योंकि ये जो मकान है ये पूरी तरह से यहाँ सर पत्थरों से टूटने के बाद पानी के सैलाब में बह गया। ऐसा लगता है यहाँ पर जो जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाएं, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क रेस्क्यू टीम के लिए भी है, क्योंकि यहाँ तक की एक्सेसिबिलिटी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। चुरलमला और मुंडकई को जोड़ने वाला ब्रिज था वो कम्प्लीटली टूट चुका था। उसके बाद में वहाँ पर एक टेम्प्रेरी ब्रिज अब बनाया गया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम के लोग यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। आप देखिए जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर बर्बादी का मंजर नज़र आता है। जो मकान यहाँ पर लोगों ने अपने सपनों के आशियाने बनाए थे, इस उम्मीद के साथ कि वो बड़े सुकून के साथ इन वायनाड की खूबसूरत वादियों में अपना जीवन बिताएंगे, लेकिन अब एक एक पल उन लोगों के लिए जो जिंदा बच गए हैं मुश्किल हो गया है काटना, और जिन लोगों की जिंदगियाँ यहाँ पर चली गई है उसमें से कितने लोग अभी तक हॉस्पिटल उनकी डेड बॉडी पहुंच पाई है वो अभी तक अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा पा रहा है, क्योंकि अभी भी इस बात की आशंका है कि इस मलबे के ढेर में कई सारे लोग दबे हुए हो सकते हैं। और जैसे जैसे रेस्क्यू टीम आप देखिए आगे बढ़ती है इस पूरे चैलेंज को फेस करते हुए, आगे और मकान हैं उस तरफ भी जाना है धीरे धीरे, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी जो थी बिल्कुल कम थी, पहली बार रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंच पाई हैं। ऐसे में धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए दूसरे मकानों को ढूंढ रहे हैं, खंगाल रहे हैं, तो हो सकता है कि मौत का आंकड़ा जो है वो और भी बढ़े। लेकिन फिलहाल जिस जगह पर
जो मुवत्तनपुरा जो जहां से मेन एपिक सेंटर था इस पूरे लैंडस्लाइड का, वहां से देखिए आप बहुत मिस्ट की वजह से आपको शायद तस्वीरें साफ नज़र नहीं आई, लेकिन एक अंदाज़ा ज़रूर हम लगा सकते हैं कि किस तरह से जो पहाड़ वहां से दरका वो तकरीबन वहां से 2 किलोमीटर दूर इस मुंडक्की टाउन में यहां पर पहुँचा और उसके बाद जो कहर उसने बरपाया है वो ये जो निशान है यहाँ पर बर्बादी के, उस कहर की गवाही देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी नज़र हम दौड़ा रहे हैं वहाँ पर सिर्फ तबाही और बर्बादी नज़र आ रही है। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, मुंडक्कई टाउन, वायनाड। आपदा प्रभावित चुरमला से मुंडकी को जोड़ने वाले पुल के बह जाने के कारण मुंडकी पहुंचना मुश्किल हो गया था। ऐसे में रेस्क्यू टीम और सर्च टीम को मुंडकी पहुंचने के लिए सेना ने रातों रात मेकशिफ्ट ये बिल ब्रिज तैयार करके दिया है, जिसके बाद मुंडकी में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन अब हो पा रहा है। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये चुरमला का इलाका है और यहाँ पर अगर आप 24 घंटे पहले आते तो यहाँ का जो ब्रिज है वो ध्वस्त मिलता, लेकिन 24 घंटों के अंदर में सेना ने यहाँ पे 2 पुलों का निर्माण करीब करीब कंप्लीट कर लिया है। ये मेन ब्रिज जो है वो बनकर तैयार हो रहा है, महज कुछ घंटों की बात है जब इस पे आवागमन शुरू हो जाएगा। वहीं एक दूसरा मेकशिफ्ट ब्रिज भी बना लिया गया है, यानी कि रात भर यहाँ पर सेना के जवान, सेना के लोग काम कर रहे थे। 6 आर्मी के कॉलम्स जो हैं वो यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं, वो अपने मेडिकल टीम के साथ, इंजीनियरिंग टीम के साथ मौजूद हैं। अब ये ब्रिज इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अगर मैं आपको बताऊं कि ये ब्रिज और जो दूसरे ब्रिज बनाया जा रहा है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी से पार करके आप मुंडकई की तरफ जाएंगे। वहाँ पर पहुँचना मुश्किल था, कुछ घंटों पहले तक पहुँचना मुश्किल था क्योंकि एक जो पुल थी जो चुरनमला और मुंडकई को जोड़ता था वो ध्वस्त हो चुका था। सेना यहाँ पे पहुँची, अब करीब करीब दो ब्रिज जो हैं वो बनाए गए हैं और यही वजह है कि रिलीफ ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम देने वाले जो एजेंसियां हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या स्थानीय लोग हैं वो आपको इससे चलकर दूसरी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 आर्मी के कॉलम्स के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी के लोग भी यहां पर मौजूद हैं और वो भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लगातार इन इलाकों में जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुई है और लोगों को ढूंढा जा रहा है, अब तक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें 173 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। वहीं 91 से 92 बॉडी पार्ट्स भी मिले हैं। फिलहाल मुंडकई के बारे में बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा इफेक्टेड था और वहां पहुंचना मुश्किल था, लेकिन अब सेना ने ये ब्रिज बनाया है जिसके बाद वहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आज सवेरे 6 बजे शुरू हो रहा है। और आपको मैं दिखा दूं कि उस तरफ सेना के 5 JCB भी पहुँच चुके हैं और वहाँ पर भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की में वो सहयोग कर रहे हैं। आप इस वक्त कैमरे में देख रहे होंगे इस नदीनुमा बहाव को पार करके, क्योंकि नदी नहीं कहेंगे क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक ये नाला हुआ करता था। और मंगलवार तड़के जो लैंडस्लाइड हुआ, जो पानी आया है उसके बाद इस जगह ने एक नदी का रूप लिया है, तो इसे पार करके 5 JCB मशीन भी उस तरफ गई है। और फिलहाल सेना के लोग यहाँ पर ब्रिज बनाने में भी लगे हैं, रिलीफ में भी लगे हैं, रेस्क्यू में भी लगे हैं, कोस्ट गार्ड के लोग लगे हैं, नेवी के लोग लगे हैं। आज मुंडकई में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ टीम्स पहुँचेंगी और देखा जाएगा कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, क्या वहाँ पर अभी भी किसी को रेस्क्यू करके लाया जा सकता है, क्योंकि आपदा इतनी बड़ी थी कि कई घर जो हैं वो बह गए हैं, वहाँ पे घरों का नामो निशान जो है वो नहीं बचा है। तो इससे पार करने के लिए 24 घंटे पहले तक एक भी ब्रिज नहीं था, लेकिन रातों रात भारतीय सेना ने 2 पुलों का निर्माण कर दिया है। अब मुंडकई तक पहुँचना आसान है,